नब्ज टटोल रहे थे जैसे कि वो वैध हों, लेकिन फर्जी अधिकारी और फर्जी मीडिया कर्मी बंद, अब वो झाबुआ पुलिस के मेघनगर थाने की कैद में है। जी हाँ, 2013 में एक फिल्म जो कि डायरेक्टर नीरज पांडे ने रिलीज़ की थी, स्पेशल 26, उस फिल्म में जो अभिनय करता थे अक्षय कुमार और अनुपम खेर, जो ईडी के फर्जी अधिकारी बने थे, और साथ ही साथ उसमें ऐसा अभिनय दिखाया गया था जिसमें कई राजनेताओं, यहाँ तक कि अधिकारियों तक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। ठीक उसी तर्ज पर झाबुआ जिले के मेघनगर के आसपास के जो क्षेत्रों में जो हॉस्टल्स हैं उनके अधीक्षकों पर भी यह फर्जी अधिकारी और साथ ही फर्जी मीडियाकर्मी बंद स्पेशल 4 के रूप में यहाँ पर नजर आए। पूरे मामले की बात करें, 21 तारीख की दरमियानी रात मेघनगर के एक निजी होटल में ठहरते हैं, रात में यह रेकी करके प्लान बनाते हैं, और 22 तारीख की सुबह आसपास के जितने भी हॉस्टल्स हैं, चाहे वो मदरानी हो, चाहे नोगावा हो, पीपलखुटा हो, मांडली हो, और भी हॉस्टल्स बताए जा रहे हैं, पिटोल है, झाबुआ ज़िले के और भी तमाम हॉस्टल्स जो गवर्नमेंट हो छात्रावास है वहाँ पर ये पहुँचते हैं और अधिकारी का रोप दिखाते हैं। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने स्पेशल यहाँ पर छानबीन के लिए उन्होंने भेजा है, 25 और 26 को यहाँ पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री का दौरा है, उसी को लेकर छात्रावासों की मॉनिटरिंग की जा रही है। और साथ ही साथ में उन्होंने यह भी बताया कि एक नेशनल मीडिया न्यूज़ चैनल से एक महिला पत्रकार भी साथ में होना बताया जा रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। उन्होंने कई छात्रावास में भोजन की व्यवस्था या फिर कैंटीन की व्यवस्था या अन्य सुविधाओं पर इन्होंने वीडियो बनाए, और वीडियो डिलीट करने के एवज में उन्होंने हॉस्टल अधीक्षकों से भारी पैसे की डिमांड की। उनका यह भी कहना था कि वो जनसंपर्क विभाग के PRO ऑफिस के हेड है और भोपाल से आए हैं। इनके पास में वाइट कलर का MH04 एक वाहन भी यहाँ पुलिस ने जब्त किया है, कुछ निजी जो नेशनल चैनल है उसके ID कार्ड भी यहाँ पर पुलिस ने जब्त किए हैं, नकदी राशि भी जब्त की है। अलग अलग हॉस्टल अधीक्षकों से यहाँ पर ठगी की गई, लाखों की ठगी हालांकि यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन इक्का दुक्का हॉस्टल जो अधीक्षक हैं वो यहाँ पर मेघनगर थाने में पहुँचे हैं, और इन लोगों के खिलाफ जो 4 आरोपी इंदौर के बताए जा रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर हॉस्टल अधीक्षक क्या कहते हैं, आइए सुनिए। 22 तारीख को आए थे, मैं सुबह वहाँ से बच्चों को खाना वाना खिला के, और मेरी मूल संस्था बुनियादी में आ गया था पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो भी मेरे पास 9:44 को फ़ोन आया कि मेरे को बताया गया कि आप अधीक्षक बोल रहे हो। मैंने बोला हाँ अधीक्षक बोल रहा हूँ, अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, इधर मेरे स्कूल पे मूल संस्था में आ गया हूँ, तो हम भोपाल की टीम आई हैं और आपके हॉस्टल का निरीक्षण कर रहे हैं। तो मैंने बोला सर मैं तो अभी आ गया हूँ, आप अनुपस्थित पाए गए, आपके यहाँ वीडियोग्राफी हो गई है पूरा, हमने वीडियो ले लिया, आप अनुपस्थित पाए गए हैं, और हम ये ईमेल कर रहे हैं भोपाल उपायुक्त पांडे जी को। तो मैंने बोला सर मैं तो उपस्थित था ना, तो फिर कोई बात नहीं, आप उपस्थित थे पर हमको यहाँ आप नहीं मिले, एक ये भी अधिकारी बने थे वो, और एक मैडम है, और दो और अलग लोग थे। उन्होंने बोला क्या करना है, आप वहाँ अनुपस्थित पाए गए, आपकी रिपोर्ट हम आगे भेज रहे हैं और आपकी नौकरी खतरे में आ सकती है, आप भले यहाँ उपस्थित है पर वहाँ अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने ठीक है तो क्या करना चाहिए सर, तो कुछ भी हो जाए, मतलब 20,000 रुपये मेरे से मांगे हैं। तो मैंने बोला सर मेरे पास अभी है नहीं, तो अकाउंट पे कर दीजिए, आपके अकाउंट में कितने हैं। मैंने बोला मेरे अकाउंट में सिर्फ 6,000 रुपये हैं, तो 5,000 इसमें से कर दीजिए। मैंने 5,000 ऑनलाइन किए और 10,000 रुपये मैंने इधर उधर से या सफाइटों से लेके कैश दिए हैं, टोटल 15,000 रुपये दिए। तो कन्या आश्रम पीपलखुटा में ये लोग आए, और आने के बाद इन लोगों ने बताया कि हम भोपाल की टीम है, भोपाल की टीम है। उसके बाद में इन्हें बोला कि हम सब पूरे, मतलब जो भी तुम्हारे कमरे हैं, बच्चों के कमरे, खाद्यान्न रूम, सब देखेंगे हम। तो खुले थे मेरे यहाँ पे, तो ये सीधे अंदर घुस गए, सब देखा। देखने के बाद में फिर इन लोगों ने बोले ऑफिस कहाँ है, तो फिर मैंने ऑफिस बताया। ऑफिस में जाने के बाद में फिर इन लोगों ने, मतलब बातचीत करने के बाद में इन्हें सीधे पैसों की डिमांड करी। इसने सीधा बताया कि हम भोपाल की टीम है, और मैंने ये भी बोला कि मैंने वो भोपाल की टीम रहती तो उनके साथ में हमारे अधिकारी भी होते। तो इन्हें बोला कि नहीं, बोले हमको कोई नहीं रोक सकता है, और ये भोपाल की टीम है, तो मतलब हमको कोई मतलब रोक टोक नहीं। मैंने अधिकारियों को कॉल भी करना चाहा, पर इन लोगों ने बोला कि किसी को कॉल नहीं करना, बोले कि हम खुद ही अधिकारी है, भोपाल से आए हैं। और उसके बाद में फिर पैसे की डिमांड करी 11,000, तो मैंने मना कर दिया। मैंने बोला सर 11,000 तो है नहीं, और मेरे पास बच्चे कम हैं, और पैसा भी नहीं आ रहा है, तो कहाँ से देंगे हम। तो फिर यूँ करते करते इन्हें 7,500 का बोला, तो 7,500 केस होने के बावजूद भी मैंने पैसा, मतलब केस नहीं दिया सर इनको, और मैंने पे फ़ोन करा ताकि बाद में अगर कुछ होता है तो।
मतलब सामने आएगा, यूँ करके मैंने फिर इनको पे फोन किया। हाँ सर, मैं ऑफिस में बैठा था, ये चार जने आए, एक लेडीज और चार पुरुष, तो जैसे दौड़ के आया तो मैडम अंदर चली गई रसोई घर में, और उन्होंने पूरा वीडियो बनाया और बरामदे मतलब बगीचे तरफ वहाँ बाई झाड़ू लगा रही थी, तो फिर मैं अंदर था तो कौन है अधीक्षक यूँ करके आए मुझे मेरे पास, तो मैंने बोला मैं हूँ, तो मैंने पूछा सर आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने बताया कि हम तो मुख्यमंत्री ने हमको भेजा है जांच टीम के लिए, तो हम आए हैं, तो फिर उन्होंने इधर उधर देखा और वो जो काम भी चल रहा था वहाँ, तो उन्होंने देखा कि आपके यहाँ तो बहुत कमियाँ हैं, ठीक है आपके बताए फिर भी आपके यहाँ बहुत कमियाँ हैं, तो मैंने कहा सर इतना बड़ा परिवार है तो कमियाँ तो होगी, तो इसके लिए क्या करना चाहिए बोला उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि आपके यहाँ कमियाँ हैं तो आप निलंबित होना चाहते हैं या बचना चाहते हैं, तो मैंने बताया सर मैं बचना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला बचना चाहते हैं तो कुछ लगेगा, मैंने कहा क्या लगेगा, तो उन्होंने बोला कि 20,000 रुपये, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि 20,000 रुपये तो आप मोबाइल से कर दीजिए, मैंने कहा मैं मोबाइल से नहीं चलाता हूँ सर, तो उन्होंने फिर बताया कि आपको यहाँ कोई पहचानते कि नहीं मदरा ने, मैंने कहा कोई नहीं पहचानते मुझे, तो राशन कार्ड कहाँ से और राशन कहाँ से लाते हैं, तो मैंने बोला मदरानी से, तो उनसे ले लीजिए, तो मैंने फिर उनको बोला कि मैं उनसे लेके आता हूँ आप यहाँ बैठिए, तो वहाँ वो वहाँ नहीं बैठे, वो बोलते कि हमारे साथ चलो कार में बैठो, तो मैंने कहा मैं कार में नहीं आऊँगा, तो मैंने फिर फ़ोटो लिया, तो उन्होंने बोला कि आपने फ़ोटो क्यों लिए, मैंने कहा मैंने फ़ोटो नहीं लिए हैं आपके, यूँ बोला, तो फिर वो क्या मतलब फिर ऐसे करते करते फिर उनको कुछ डाउट हुआ तो भागने लगे, और मेरे से 20,000 रुपये की मांग करी। जी दूर से आए हम लोग। नहीं, आपने जब लोगों से वसूली की बताया क्या पत्रकार हैं? जनसंपर्क विभाग से नहीं बोला। लोग कहाँ से आए थे? ये दूर से आए। कैसे पैसे कैसे ले रहे थे आप लोगों से? एक जनरल एक इंटरव्यू ले रहे थे इनका, उसके माध्यम से एक सहयोग के हिसाब से मांगा था सहयोग उसका। हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट के अधिकारी नहीं आप? नहीं, गवर्नमेंट का अधिकारी तो है ही नहीं, कैसे हो ही नहीं सकता। और कौन सी मीडिया से आप? मासिक अखबार है इंदौर आज तक, यूट्यूब चैनल भी है उसका छोटा सा। एक महिला आपके साथ थी, वो कहाँ है? वो कल इंदौर निकल गई थी, एक कोर्ट में तारीख थी उनकी, घरेलू यानी उसमें उनके पति का चल रहा था उनका कोर्ट केस का, तो चले गए थे वो। आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है? मैं इंदौर का रहने वाला हूँ, सरवटे बस स्टैंड के पास। क्या नाम है? दिनेश चौहान सर। आपके स्पष्टीकरण में क्या कहेंगे, क्या है पूरा मामला, तो आपकी भाषा में बताएं आपके? नहीं, अपन ने किसी जोरदस्ती नहीं करी, बस इतना बोल सकते अपन। कितने रुपए आप लेके गए कल परसों, दो दिन तक आप पलाश होटल में रुके थे? उनसे सहयोग लिया था तो उन्होंने सिर्फ अकाउंट में 5,000 डाले थे कल। अलग अलग जगह पहुँचे थे, 5 जगह बताई जाए? सब जगह अलग अलग करते थे। एक ही जगह से पैसे की? पैसा कितनी जगह से आधा एक ही उसे लिया था, जो अकाउंट में डाला था इनके उनसे लिया था, बाकी कोई पैसा नहीं था? बाकी तो वो फोटो खींचा उन लोगों ने आने का, ये करके वो फिर बस हमारा फोटो खींचते रहेगा क्या, बस कुछ ब्रह्मपुर से नौकावास से भी पैसे लिए, ब्रह्मपुर से पैसे लिए, वीडियो है उनके पास, वीडियो है। रंबापुर से नहीं लिए हमारे पास? नहीं, रंबापुर से नहीं लेके आपके नौगांव से, नौगांव से भी लिया आपने? बिल्कुल कुटो का बोल सकते हैं, नौगांव से भी लिया आपने? हाँ, रंबापुर से नहीं, रंबापुर से भी लिया आपने? रंबापुर से नहीं लिए, नहीं रंबापुर, नहीं नहीं रंबापुर से है वो जो 5 दिए ना उन्होंने, मदरानी से नहीं लिए, मदरानी से नहीं लिए। सही है। सुना आपने किस तरह से हॉस्टल अधीक्षकों ने जो ठगी हुई है, जो ठगी का शिकार हुए हैं, कहते हैं कि जिस स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं उस स्कूल के हम प्रिंसिपल हैं, लेकिन उन प्रिंसिपल और उन हॉस्टल अधीक्षकों को ही इन ठगों ने ठग लिया, और जो स्पेशल 26 की जगह स्पेशल 4 आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं ये इंदौर के रहने वाले हैं। फिलहाल मेघनगर पुलिस ने 2 लोगों को यहाँ पर ट्रेस किया है और 2 अन्य लोगों की यहाँ पर विवेचना कर जो है तफ्तीश की जा रही है। पुलिस ने
384, 419 और 420 आईपीसी की जो धारा है उनमें मामला पंजीबद्ध किया है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि 21 तारीख की दरमियानी रात में एक निजी होटल में यहाँ पर रुकते हैं और कहते हैं कि जो अवैध धन होता है, जो वसूल किया हुआ पैसा रहता है, उसको खर्च करने का भी अपना एक रास्ता होता है। वो यहाँ पर रुकते हैं, आलीशान 3 ऐसी रूम्स बुक करते हैं, स्पेशल 26 की तर्ज पे स्पेशल 4 स्पेशल थाली भी खाते हैं और सुबह ब्रेकफास्ट में ड्राई फ्रूट्स के नाश्ते के साथ साथ कई लुभावने व्यंजन भी यहाँ पर करते हैं। तो अवैध वसूली करने के बाद में इन ठगों ने खूब एज मोश किए, लेकिन कहते हैं कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस ने इनकी जैसे ही घटना की सूचना यहाँ के जो स्थानीय मीडिया उनको दी, पूरा मामला मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया गया, तभी जाकर पुलिस ने घेराबंदी करके इन आरोपियों को धर दबोचा। क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर अनुविभागीय पुलिस अधिकारी रविंद्र राठी, आइए सुनिए। इस संबंध में कल सुबह से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि जिले में और ख़ासतौर पर थानला अनुभाग में 3 पुरुष और 1 महिला विभिन्न छात्रावासों में जाकर पुलिस अधीक्षकों को उनकी कमियां उजागर करने के संबंध में वीडियो बनाते थे और उस संबंध में उसको वीडियो को डिलीट करने के लिए उनसे एक्सटॉर्शन कर रहे थे। इस संबंध में फ्रांसिस माल जो कि रंभापुर के हैं, उनसे जानकारी प्राप्त हुई कि वो दूसरी जगह उपस्थित थे, कि उनकी अनुपस्थिति के बेस पर उनको डराकर उनसे पैसे की डिमांड की गई थी 20,000 रुपये। ऐसे अन्य जगह पर भी मामले सुनने में आए, जिसमें कि नौगांव के उदयगढ़ में, पीपलखुटा में और मदरानी में और पिटोल में भी। अभी प्रेजेंट में रंभापुर में फरियादी आया और उसके बेस पर हमने FIR की। IPC की 419, 420 और 384 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें ये था कि जैसे ही हमको सूचना प्राप्त हुई, हमने साइबर मीडिया और जो भी हमारे सोशल ग्रुप्स थे उन पर ये चीज़ों को शेयर किया और जितना जल्दी जल्दी उनको पता लगाने की कोशिश की और फिर लोकेशन के बेस पे आरोपियों को राउंडअप किया गया। इसमें फिलहाल में 2 आरोपियों को राउंडअप किया गया, अमित राठौड़ और दिनेश चौहान जो कि इंदौर के निवासी हैं, इनको राउंडअप किया गया। लगातार पुलिस अपील करती है कि ऐसे साइबर क्राइम अपराध या फिर इन आपराधिक गतिविधियों से बचने के लिए सावधानी बरती जाए, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कई लोग इन जालसाजी का शिकार हो जाते हैं। अब हमें सजग रहने की ज़रूरत है और साथ ही साथ में जो पुलिस अधीक्षक या पुलिस अनुभागीय अधिकारी या थाना प्रभारी की ओर से जो अपील की जाती है, उन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और फिलहाल ये ठग पुलिस की गिरफ्त में है और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए, हालांकि जैसा कि हमें बताया यहाँ के SDOP ने कि और भी इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है, और भी खुलासे हो सकेंगे। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि मेघनार के औद्योगिक क्षेत्र में भी यह रेकी करके कई उद्योगपतियों को यहाँ पर झांसा देके अवैध वसूली कर चुके हैं। 1 साल पहले भी आ चुके हैं, 6 महीने पहले भी आ चुके हैं। तमाम घटना का खुलासा थोड़े दिनों बाद जरूर पुलिस करेगी, लेकिन फिलहाल यह ठग अब पुलिस की गिरफ्त में है। यदि आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो SMS न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीलेश भानपुरिया कैमरा पर्सन मनीष के साथ SMS न्यूज़ के लिए झाबुआ।